आप सब को इसका सेकंड ईयर बहुत बहुत मुबारक हो जाए। शेरबाद हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। और आज ये ईद का सेकंड डे और हम सब ने प्लान किया कि कहीं बाहर जाना चाहिए, तो फिर हमने शाम का प्लान कर दिया। और अभी हम निकल चुके हैं कि फिर भी पार्क की तरफ से, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे पार्क में आप सबको मालूम है जैसा कि ईद के दिन में बहुत ज़्यादा रश होती है, तो हमने सोचा कि दूर जाने की बजाय किसी नज़दीकी पार्क में जाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको तो पार्क में ही मज़ा आता है। दोपहर हमने पार्क जाने का प्रोग्राम बना लिया और पूरी फैमिली तैयार शहर होकर निकल चुके हैं पार्क की तरफ। और यहाँ पर हम पार्क के करीब पहुँच चुके हैं और देखिए हम पार्क में पहुँच गए। अभी हमने सेटअप कर लिए हैं, अपने साथ हम बैठ ज़्यादा दे रहे थे कि आराम से बैठ के सुकून करेंगे। दो तीन घंटे हो, क्योंकि हमने साथ में साथ डिनर का भी प्लान बनाया था, तो फिर कुछ थोड़ी चीज़ें रिफ्रेशमेंट की वो अपने साथ ले आए थे। तो हमने बनाए थे दही बड़े और साथ में था फज केक, चॉकलेट फज केक, क्योंकि चॉकलेट की किस्म होती है वो बहुत ज़बरदस्त था। और सब यहाँ पर मौजूद थे, मेरे सिस्टर सब, हम सब सिस्टर से काफ़ी अर्से बात जमा हुई थी, और भांजियाँ थी, और अब्दुल हादी, जैसा कि आप सब अब्दुल हादी और सब अहमद से वाकिफ है जानते हैं। तो यहाँ पर हमने किया बहुत ज़्यादा इंजॉय पार्क में। ये पार्क का माहौल है, मुझे लोगों की एक चीज़ बहुत बुरी लगती है कि एक तो कि लाइटनिंग नहीं थी पार्क वालों ने, ये बड़ी ज्यादती की थी, दूसरा ये कि कचरा बहुत किया था। खैर बच्चों ने बहुत ज़्यादा, हमारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, झूले खाए रेड लिस्ट बच्चों ने। फिर इसके बाद जो है हम सब ने खाना रिफ्रेशमेंट जो है स्टार्ट कर दी लेना, तो ये देखिए ज़बरदस्त यम्मी से दही भले, जो कि मेरी सिस्टर हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, हर किस्म की बीमारी परेशानी से दूर रखे। बहुत ज़बरदस्त हम सब के लिए उन्होंने दही भले बनाए थे, बहुत मज़ा आया, सब ने मिलकर खाए, बहुत ज़्यादा खाए, बहुत मज़ा आया। और साथ में देखें अल हाफिज़ हमारे इलाके की मशहूर बेकरी, वो हमने वहाँ से उनका केक खाया। फिर ये सब हम फाइनल करके निकल चुके अपने डिनर के लिए, और चूँकि रात के तकरीबन 12 बज रहे थे जब हम निकले, और इतनी रश थी कि लोग लाइन में लगे हुए थे, तो हम भी अपने और मैं होटल के अंदर जाने के लिए लाइन में लगे वेट करने लगे। और ये है देखें अनवर बलोच मलिर का, जो कि कराची में मलिर के रहने वाले हो सब जानते होंगे कि फेमस है। तो ये थी आज की वीडियो, और मिलते हैं अब हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ये वीडियो देखिएगा, मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।